सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम एकादशी परिवर्तन की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कृष्णा और युधिष्ठिर करे है वार्तालाप, बोले युधिष्ठिर, हे कृष्णा मुझको बतलाइए आप, भादौ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, मुझे बताओ श्री कृष्णा किस नाम से बोली जाए। आपने ही अजय एकादशी की कथा भी मुझे सुनाई, बड़ी प्रसन्नता सुनकर इसको मेरे मन में छाई, भादो मास के शुक्ल पक्ष अब शीघ्र ही आ जाए, इच्छा है मेरे मन में एकादशी कथा सुनाए। सुन के बात युधिष्ठिर की कृष्णा मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। जो आए ये एकादशी परिवर्तनी के नाम से जानी जाए, श्री हरि विष्णु चार महीने क्योंकि करे शयन, इस दिन बदले अपनी करवट होता परिवर्तन। परिवर्तन एकादशी इसलिए ये कहलाती है, आंख श्री हरि विष्णु की इस दिन खुल जाती, विष्णु अपनी करवट बदलते, इसीलिए तो परिवर्तन एकादशी है कहते। श्री हरि के वामन रूप को इस दिन ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अब परिवर्तन एकादशी की युधिष्ठिर सुनो कथा, त्रेता युग में एक दैत्य तो बलि नाम का था, किंतु श्री हरि विष्णु की वो करता था भक्ति, भक्ति करके उसने अनेकों पाली है शक्ति, यज्ञ हवन भी अपने राज में वो तो करता है, इंद्र देव से वैर सदा पर वो तो रखता है, अपने बल से उसने सब धरती को जीत लिया, और स्वर्ग सिंहासन पर भी है अधिकार किया, इंद्र देव फिर विष्णु जी की शरण में आ।
जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से कहा, दैत्य राज बलि ने सिंहासन स्वर्ग का छीन लिया, सभी देवताओं को लेकर हम कहां जाएंगे, उसके भय से मुक्ति बोलो कैसे पाएंगे, आप ही भगवान दैत्य राज का कुछ तो करो उपाय, राज स्वर्ग का हमको फिर से वापस मिल जाए। झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। चाहिए क्या, बोले वामन कुछ देने से पहले वचन भरो, मांगूंगा मैं दान जो इच्छा पूर्ण मेरी कर दो। राजा बलि बोले मैं आपको वचन ये देता हूँ, जो भी इच्छा मन में हो वो पूरी मैं कर दूँ। अपने ही वचनों में बलि तो खुद घिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। खुशी से हामी है भर ली, श्री हरि विष्णु ने अपना फिर आकार बढ़ाया, दैत्य राज बलि उनकी माया को समझ नहीं पाया, एक ही पग से अपने उन्होंने स्वर्ग को नाप दिया, दूजे पग से धरती पर भी है अधिकार किया, तीजा पग अब कहाँ रखूं ये पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने
से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। नहीं पाए फिर सोचा के श्री हरि विष्णु खुद ही है आए, उनके सिवा कोई कर सकता ना ऐसा तो चमत्कार। एक ही पल में राजा बलि का टूट गया अहंकार, बैठ गए हैं उनके आगे अपना शीश झुका कर। तीजा पग फिर श्री हरि ने रख दिया उनके, विष्णु जी ने उनको है पाताल में भेज दिया। आज से तुम राजा पाताल के उनसे यही कहा, फिर पाताल में राजा बलि रहने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुनने से मिटे व्यथा। दैत्यराज बलि बोले मैंने कहा आपका माना, पर पाताल में मेरे साथ ही कहलाते। श्री हरि विष्णु जब निद्रा के योग में है सो जाते, बदलते हैं जब करवट परिवर्तन कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। स्वर्ग नाप कर उन्होंने है देवों को सौंप दिया, और धरती मानो और जीव जंतुओं को है दिया। राजा बलि को सौंप उन्होंने है पाताल करार, चतुर मास का तब ही से है भक्तों चला रिवा। चार मास के लिए श्री हरि करते हैं विश्राम, तो वो कहलाती है। इस दिन विष्णु तुलसी संग भी ब्याह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
रतन एकादशीश को इसलिए कहते हैं। विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाए, भादो मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आए। इस व्रत के करने से मिलता बड़ा ही उत्तम फल, हो जाते हैं भक्तों के सारे ही काम सफल। परिवर्तन एकादशी कथा को जो भी सुनता है, एकादशी का व्रत ही फल उसको तो मिलता है। श्री हरि अपने भक्तों के काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। में एकादशी जो आए परिवर्तन एकादशी भक्तों इसको कहते हैं। निद्रा योग में श्री हरि विष्णु इस समय रहते हैं। परिवर्तन एकादशी कथा यदि यशपाल ने गाई, फौज सुरेश को लिखने के लिए विल्सन ने बतलाई। रलहन भी हौसला सबका बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सुनने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।